हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि पिछली वॉल्यूम्स बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। काफ़ी लंबा वक्त लगा है हमें एक दूसरे से मुखातिब होने का। एक्चुअली अब मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त कर सकता हूं कि अब फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए हम सारे वीडियोज टाइम रहते अपलोड कर देंगे। दूसरी बात, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिलते रहें। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं और वो मुझे एक हिदायत देते हैं कि सर, आप एक पोएम की 3-4 वॉल्यूम से बेहतर है कि आप पूरी पोएम को एक साथ ही अपलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम किसी भी प्रकार से बेस्ट मटेरियल और बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ समझौता ना करेंगे तो ही चलेगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की 5 वॉल्यूम्स कर चुके हैं, आप उसको भी देखिएगा। और ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयारी की जाती है और किस प्रकार से हर वर्ड को एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको। मेरा उद्देश्य यही है कि आप एग्जाम के टाइम में कॉन्फिडेंट रहे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठोगे तो आपको जरूर एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और जरूर मुझे सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब आप एग्जाम से खुश चेहरों के साथ लौट के आओगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी पोएम के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो बेहद पॉपुलर रह चुकी है, जॉन डन की गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। आपने इस पोएम को पढ़ा भी है, थीम वगैरह आप सारा कुछ इसको जानते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मेरा स्पेशल उद्देश्य जॉन डन की छवि को बदलना है। क्योंकि बहुत सारे रीडर्स ने जॉन डन, स्पेशल मैं कहूँगा महिला समुदाय ने शायद जॉन डन को अपना दुश्मन समझ रखा होगा क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में इस गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के अंदर खराब लिखा है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, आप पॉजिटिव वैसे लीजिए क्योंकि हम इसकी थीम पे बहुत बेसिकली चर्चा करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में जॉन डन महिला समुदाय के दुश्मन नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन डन की। तो ये आपको पता है जॉन डन का जो जन्म हुआ है वो है 1572 को और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1631 तक रहे हैं। उसके बाद इनकी बात की जाए जॉन डन की तो ये एक कैरोलिन एज से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जब मैंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस की फर्स्ट वॉल्यूम जारी की थी तो उसमें मैंने प्यूरिटन एज को समझाया था और उसी के दौरान कैरोलिन एज भी आती है। याद रखिएगा 1625 में चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड में राज सिंहासन पर बैठते हैं और जनता उनसे काफ़ी दुखी हो जाती है, जिसकी वजह से 1642 में एक सिविल वॉर होता है जो कि 1649 तक चलता है। उसके बाद प्यूरिटन एज प्रारंभ होती है 1649 से। तो फ्रेंड्स, कैरोलिन एज का प्रारंभ चार्ल्स फर्स्ट के राज सिंहासन पर बैठने के साथ ही होता है 1625 से लेके, और जब तक प्यूरिटन एज का प्रारंभ नहीं हो जाता, जब तक वो सिविल वॉर नहीं जीत लिया जाता 1649 तक, कैरोलिन एज का पीरियड चलता है। उसके बाद 11 साल तक 1649 से 1660 तक प्यूरिटन एज होती है और प्यूरिटन एज जैसे ही 1660 में चार्ल्स सेकंड के राज सिंहासन पर बैठने से जैसे समाप्त होती है, रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। तो ये है थोड़ी सी जानकारी इस कैरोलिन एज के पीरियड की। तो कैरोलिन एज के ही ये पॉइंट हैं जॉन डन, जो हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस के जॉन मिल्टन को पढ़ा था वो प्यूरिटन एज से रिलेटेड ही है। बहुत सारी बुक्स में आप प्यूरिटन एज की ही एज देखोगे 1625 से लेकर 1660 तक, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा उस दौरान एक कैरोलिन एज भी आती है। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट्री का फाउंडर माना जाता है और ये भी मैंने आपको बताया है, जब मेटाफिजिकल पोइट्री की हमने चर्चा की थी अलग वॉल्यूम के अंदर, तो कृपया आप उसको भी देखिएगा कि क्या मेटाफिजिकल पोइट्री होती है, तब आपको गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पढ़ने में बेहद इंटरेस्ट आएगा और वाकई आप समझोगे कि हाँ, लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, जॉन डन रोमन कैथोलिक थे। अब हम बात करते हैं इस पोएम की। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पोएम के टोन की। फ्रेंड्स, इसमें आपको देखने को मिलेगा तो इसकी जो टोन है वो है मिस्टिकल। याद रखिएगा इस पोएम की जो टोन है वो मिस्टिकल है क्योंकि हमें लास्ट में पता चलता है कि आखिर जॉन डन है वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मेटाफिजिकल पोइट्री की खासियत होती है उसकी एब्रप्ट एंड ड्रामेटिक ओपनिंग होती है, इसीलिए इसकी टोन है मिस्टिकल। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जॉन डन का वीमन काइंड के प्रति जो है एटीट्यूड है कैसा है, तो वो आप हमेशा याद रखिएगा वो है सिनिकल। तो दो वर्ड है, मिस्टिकल और सिनिकल। इस पोएम की टोन तो है मिस्टिकल क्योंकि हमें स्टार्ट में पता ही नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है।
और जो जॉन डन का जो वुमेन काइंड के प्रति जो एटीट्यूड देखने को मिलता है वो है सिनिकल, जो इस पोएम में काफ़ी झलकता है। इस पोएम को जो पब्लिश किया गया था वो 1633, इट मीन्स जॉन डन की मृत्यु तो 1631 में हो जाती है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 2 साल बाद इस पोएम को पब्लिश किया जाता है। तो द पोएम वॉज पब्लिश्ड पोस्थमसली, मृत्युपरांत इस पोएम को पब्लिश किया गया था। अब फ्रेंड्स, पोएम को पब्लिश किया गया है तो कोई टाइटल भी तो दिया होगा। पहले तो हम बात करते हैं उस कलेक्शन की जिसमें इस पोएम को पब्लिश किया गया था। उस कलेक्शन का नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, और इसके अंतर्गत इसको टाइटल दिया गया था सॉन्ग, केवल इसको सॉन्ग टाइटल दिया गया था। और जैसे कि फ्रेंड्स, किसी भी खासियत की वजह से जो चीज़ पॉपुलर हो जाती है उसी से उसका टाइटल समझ लिया जाता है। हालांकि इसका टाइटल सॉन्ग दिया गया था, लेकिन इसकी जो पहली लाइन है वो ही इसका इंट्रोडक्शन बन जाती है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये है इसका टाइटल। दूसरी बात, हम बात करते हैं इस पोएम की थीम की। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसकी जो थीम है वो बेसिकली किस पर डिपेंड है, और इसके अलावा और क्या इनडायरेक्टली जॉन डन इस पोएम के थ्रू कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये, द पोएम एक्सप्रेसेस द फिकल नॉइस ऑफ अ फेयर वुमन, एक खूबसूरत महिला की कमजोरी और जो उसकी इनकॉन्स्टेंसी है, इनकॉन्स्टेंसी ऑफ अ फेयर वुमन, वो इस पोएम के अंतर्गत बताई गई कि जो खूबसूरत महिला है वो कभी वफादार नहीं हो सकती। ये जॉन डन के विचार हैं, सारों के नहीं, इस पोएम के थ्रू वो कहना चाहते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में हो या ना हो वो अलग बात है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पॉजिटिव लेके ही इस पोएम को पढ़ना है। तो इस पोएम की जो थीम है वो इनकॉन्स्टेंसी ऑफ अ फेयर वुमन एंड फिकलनेस ऑफ अ फेयर वुमन, इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर बात की जाए, याद रखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है जो पैसिमिज्म टू ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति जो निराशावाद है उसको झलकाया गया। तो फ्रेंड्स, इसकी जो थीम दूसरी है वो है ए जेंडर न्यूट्रल क्रिटिसिज्म ऑफ फॉलन ह्यूमैनिटी, क्योंकि जॉन डन सोचते हैं कि मानवता का धीरे धीरे पतन हो रहा है। बिकॉज ही थिंक्स दैट द मोर पीपल मे प्लेस टू बी ट्रू टू द डिवाइन द मोर दे फॉल शॉर्ट एंड सीनस टू और थ्री टाइम्स, क्योंकि जितना ज़्यादा जो लोग हैं वो डिवाइन के प्रति, भगवान के प्रति या क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, उतना ही वो छुपकर पाप भी करते हैं। तो ये है उसकी अलग थीम भी। तो वुमन के थ्रू, हालांकि जॉन डन का उद्देश्य सिर्फ महिला समुदाय को गिराना नहीं है, बल्कि वुमन काइंड को उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लिया है, कि जिस प्रकार से लोग क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं लेकिन वो रियल में सीनर्स ही रह जाते हैं। यही वजह है कि इस पोएम की थीम जो है वो क्या है, ए न्यूट्रल जेंडर क्रिटिसिज्म ऑफ फॉलन ह्यूमैनिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये पोएम एक्सप्रेस करती है जॉन डन्स मिसाजनिस्टिक बिलीफ, महिला समुदाय के प्रति नफरत है वो तो ये पोएम शो करती है, कि हकीकत में डन नफरत करते थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस पोएम के थ्रू वो कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि औरतों के बारे में क्रिटिसिज्म के रूप में तो चौसर ने भी लिखा है। तो आप थोड़ा स्पेशली मैं कहूँगा मेरे महिला रीडर्स जो है उनको, कि आप इस पोएम को जरूर पॉजिटिव वैसे लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस पोएम में हमें स्पेशल क्या देखने को मिलेगा। द पोएम इज फुल ऑफ इम्पॉसिबल टास्क इंक्लूडिंग सम कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये जो है कुछ इम्पॉसिबल टास्क है उनके बारे में इसमें चर्चा की हुई है, और बेसिकली हम देखें इसके अंतर्गत क्या खूबसूरती है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर, इस पोएम के अंदर मीटर कौन सा यूज किया गया है। याद रखिएगा, मीटर जो मैंने पिछली वॉल्यूम्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें मैंने मीटर को बेहद अच्छे तरीके से बताया हुआ है। मैंने एक यूट्यूब ट्यूटर को ये कहते सुना कि ये पोएम आयम्बिक मीटर में लिखी गई है, पूरी तरह से गलत है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इस पोएम को आयम्बिक मीटर में नहीं लिखा गया बल्कि ट्रोकेइक मीटर में लिखा गया है। आपको बताया था मैंने पिछली वॉल्यूम्स में कि आयम्बिक और ट्रोकेइक दो प्रकार के मीटर होते हैं, जब पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आए उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल आता है तो उसको आयम्बिक मीटर कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस व्हेन आई कंसीडर, इसके अंतर्गत अनस्ट्रेस सिलेबल से ये शुरू था, लेकिन ये जो पोएम शुरू होती है वो एक स्ट्रेस सिलेबल से होती है। इसकी जो पहली लाइन है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, तो गो एक स्ट्रेस सिलेबल है एंड
ये एक अनस्ट्रेस लेवल है। तो जब पहले स्ट्रेस लेवल आता है उसके बाद अनस्ट्रेस लेवल आता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उसको ट्रोकेइक मीटर कहते हैं। अब बात करें इसमें फीट कितने हैं। फीट होता है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन। ये मैं पिछली वॉल्यूम्स में पूरे डिटेल में बता चुका हूँ, तो जिन फ्रेंड्स ने मेरी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की वॉल्यूम्स नहीं देखी है तो कृपया मीटर समझने के लिए फर्स्ट वॉल्यूम को जरूर आप देखिएगा। इसके अंतर्गत आपको फोर पेयर्स देखने को मिलते हैं, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अगर इसके मीटर की बात की जाए तो इसमें टोटल जो है 7 स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आपको देखने को मिलेगा। इस हिसाब से आपको इसके अंतर्गत 4 फीट देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये एक टेट्रामीटर है। जहां पर 4 पेयर्स हो फ्रेंड्स याद रखिएगा वहां पे टेट्रामीटर होता है, जहां पे 5 फीट हो जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस में थे उसे पेंटामीटर कहा जाता है। तो ये पोएम लिखी गई है ट्रोकेइक टेट्रामीटर के अंतर्गत। क्या पूरी की पूरी पोएम ट्रोकेइक टेट्रामीटर में ही चलती है? नहीं फ्रेंड्स, ये बेहद खूबसूरती है इस पोएम की कि इसके अंदर का दो प्रकार के मीटर का यूज किया गया है। ये पोएम जो है वो टोटल 27 लाइन की है, 27 लाइंस की, और उसे 3 9 लाइंस के स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। और पहली जो 9 लाइंस है उनकी आपको देखने को मिलेगी, 6 लाइनों के अंतर्गत आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ट्रोकेइक टेट्रामीटर। और 7वीं और 8वीं लाइन जो है उसमें आपको आयम्बिक मनोमीटर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो द पोएम कंसिस्ट ट्रोकेइक टेट्रामीटर पंक्चुएटेड बाई आयम्बिक मनोमीटर। जो पंक्चुएशन देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है आयम्बिक मनोमीटर में। जैसे आप 7वीं लाइन देखोगे एंड फाइंड व्हाट वाइंड, तो इसके अंतर्गत आपको आयम्बिक एंड जो है अनस्ट्रेस्ड है, फाइंड है वो स्ट्रेस्ड है इसके अंतर्गत। तो आपको यहाँ पे आयम्बिक मनोमीटर बोले तो जहां पर एक ही पेयर होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का उसको मनोमीटर कहते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसकी स्टार्टिंग जो 6 लाइनों की होती है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में है, और जो 2 लाइन है इसकी जो पंक्चुएशन लाती है, याद रखिएगा लिटरेचर की लैंग्वेज में इसे शुजुरा कहते हैं, जहां पे हम एक पोएटिकल पॉज देते हैं या ब्रेथ देते हैं रिदम को अलग टच देने के लिए, तो वहां पे शुजुरा यूज किया जाता है जिसे छंद विराम कहते हैं हिंदी के अंतर्गत। तो 7वीं और 8वीं लाइन में आपको आयम्बिक मनोमीटर देखने को मिलेगा, बाकी की लाइनों में आपको ट्रोकेइक टेट्रामीटर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम तीनों स्टेंजा की बात की करें तो तीनों स्टेंजा में हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। जो पहला स्टेंजा है वो है फोर्सफुल, जिसमें अंदर सेंस ऑफ कमांड देखने को मिलता है। इसके अंदर एग्जॉटिक इमेजेस दी गई है, इम्पॉसिबल टास्क है, और देखा जाए तो ये एक कमांड दे रहा है रीडर्स को कुछ करने के लिए। सेकंड स्टेंजा की बात की जाए तो ये है एक कंडीशनल, जिसके अंतर्गत कुछ कंडीशंस रखी गई है। और तीसरा जो लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा है उसे एक कन्वर्सेशनल स्टेंजा कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पॉइंट है वो रीडर्स से बात करते हैं पूरी तरीके से, एक कन्वर्सेशन के रूप में इसको लिखा हुआ है, जैसे लेटर लिख रहे हैं वो। एक्चुअली बात की जाए तो अंतिम स्टेंजा की बात की जाए तो उसमें हर वर्ड जो है वो मोनोसिलेबिक है, वन सिलेबल ही प्रत्येक वर्ड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, सिवाय एक वर्ड के पिलग्रिमेज जो आप वर्ड देखोगे, बाकी टोटल जो कन्वर्सेशन किया गया है वो वन सिलेबल के अंतर्गत ही किया गया है। तो ये है कुछ खूबसूरती इस पोएम की। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस पोएम का स्पीकर कौन है, तो वो हम कह सकते हैं पोइट, एक पोइट है। और बात की जाए तो लिसनर कौन है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, एड्रेसी कौन है इस पोएम के अंतर्गत, तो वो है एक मैं कहूँगा मेल रीडर। याद रखिएगा रीडर्स कहने से अच्छा रहेगा आपको मेल रीडर कहना, क्योंकि यहाँ पे एक वुमन के साथ लव को शो किया गया है, और ये जाहिर सी बात है कि मेल को ही इसके लिए यूज किया गया है, और उसको कुछ टास्क दिए गए हैं जिसको वो कंप्लीट करेगा। तो टास्क क्या कुछ है वो हम अगली वॉल्यूम्स के अंतर्गत पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। याद रखना है कि इसकी राइम स्कीम क्या है। फ्रेंड्स बेहतर रहता है कि आप जितनी भी सिलेबस में आपके पोएम्स लगती हैं आप उनकी कम से कम स्टार्टिंग वाली जो लाइन्स हैं या जो स्टेंजा है वो आप याद रखिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। रटने पे ध्यान मत दीजिएगा, बहुत सारे रीडर्स क्या करते हैं राइम स्कीम रट लेते हैं और एग्जाम में उनकी गलत हो जाती है। फ्रेंड्स अगर आपके लाइन दिमाग में है तो आप उसकी राइम स्कीम बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इसका पहला स्टेंजा याद रखिएगा। पहला स्टेंजा क्या है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट इयर्स आर,
or who clapped the devil's foot? Teach me here mermaid singing, or keep up envy stinging, and find what wind serves to advance an honest mind. तो लास्ट वाली तीन लाइन है, find wind or mind. तो इसको हम नाम दे देते हैं DDD. और स्टार्टिंग का जो है, go and catch a falling star, get with child a mandrake root. तो star और root, star को हमने दिया A, root को हमने दिया B. अब root जैसा ही जो है वो चौथी लाइन में आएगा, foot. तो याद रखिएगा इसकी rhyme scheme, star जैसा ही आएगा, where all past years are. तो A B A B, बीच की जो पांचवी और छठी लाइन है उसकी rhyme scheme है सी सी, teach me here mermaid singing or keep off investing. तो इसकी rhyme scheme हो जाएगी A B A B, C C और triple D, D D D. अब देखिए ये स्टेंजा याद रहने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सही हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नो जो इम्पॉसिबल टास्क है वो कितनी है. याद रखिएगा 7 इम्पॉसिबल टास्क है इस पोएम के अंतर्गत, 9 लाइन के अंतर्गत. दूसरी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इन टास्क को एक क्रम में संयोजित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है उसकी आप तैयारी कर रहे हो. तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा, जब आपको राइम स्कीम याद है तो आप उनका क्रम भी बता सकते हो. राइम स्कीम ए बी ए बी, यानी का मतलब पहली की जो राइम स्कीम है वो तीसरी लाइन के साथ है. पहली लाइन क्या है, स्टार. अब स्टार जैसा शब्द आर आ रहा है, पास्ट ईयर्स आर, तो पहली टास्क कौन सी हो जाएगी, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार वाली. और तीसरी टास्क कौन सी आ जाएगी, पास्ट के बारे में बताने वाली. दूसरा गेट विद चाइल्ड मैंड्रिक रूट, रूट वाला है. तो चौथी लाइन भी रूट यानी कि फूट, इसका मतलब डेविल्स फूट कौन सी हो जाएगी, चौथी टास्क हो जाएगी. तो पहली क्या हो जाती है, फॉलिंग स्टार वाली, आप याद लाइन याद रखोगे. दूसरी टास्क हो जाती है मैंड्रेक रूट से चाइल्ड को उत्पन्न करना, हम डिस्कस कल करेंगे. तीसरा जो है पास्ट ईयर्स के बारे में बताना है, और चौथा जो है वो डेविल का फुट वाला जो है. पांचवी जो है सिंगिंग और स्टिंगिंग, मरमेड्स वाली पांचवी हो जाएगी और इन्वेस्टिंगिंग वाली छह हो जाएगी. और लास्ट एंड फाइनल व्हाट वाइंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड. तो इस प्रकार से ये इतनी टास्क इस पोएम के अंतर्गत दी हुई है, तो आप इसको भी बेहतर तरीके से समझोगे. तो फ्रेंड्स ये था इस पोएम का इंट्रोडक्शन, इस पोएम की थीम क्या है, इस पोएम के अंदर टोन क्या है, जॉन मिल्टन किस प्रकार से एटीट्यूड रखते हैं, और किस प्रकार से इसका मीटर में किस प्रकार के सिलेबल यूज हुए थे. कल की वॉल्यूम में हम चर्चा करेंगे प्रत्येक स्टेंजा को, कि प्रत्येक स्टेंजा के अंदर पोइट का मूड क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. पूरी तरीके से आश्वस्त रहेगा, मैं 100% श्योर हूँ कि जितनी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में इन पोएम्स से बाहर कोई चीज़ आ सकती है. तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा लेट में हो जाऊँ वीडियो अपलोड करने में, लेकिन मैं पूरी तरीके से आश्वस्त कर सकता हूँ आपको कि मैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से पहले सारे वीडियोज अपलोड कर दूंगा. फ्रेंड्स दूसरा आपसे हिदायत है कि अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ के अंदर कुछ और सुधार करना है, आपने वॉइस क्वालिटी की पहले वॉल्यूम में ही बताया था, मेरे टेंस का जो पहला पार्ट था तो मैंने उसको सुधारने की कोशिश की. बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है बुरा लगता है आप ज़रूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है. एक मेरे फ्रेंड्स हैं मनोज कुमार सर, उन्होंने कमेंट्स किया था तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने कहा कि हमारी स्कूल लाइफ के बाद सबसे बेस्ट मटेरियल उनको अवेलेबल हुआ है मेरे थ्रू. तो ये मनोज जी आपका ही बड़प्पन है, हमारा तो उद्देश्य आपके सामने बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लाने की है. तो फ्रेंड्स बाकी ट्यूटर्स की तरह मैं एक साथ कंप्लीट पोएम को अपलोड नहीं कर सकता हूँ, पेशेंस जरूर रखिएगा अगर आपको बेस्ट मटेरियल घर बैठे चाहिए तो. और अगर आप सलामत अली खान के साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जिनका टाइम शेड्यूल ऐसा है कि वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. दीजिए इजाज़त, कल आपसे मिलेंगे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के पहले स्टेंजा के साथ. तो फ्रेंड्स मेंटली तैयार रहिएगा, बहुत सारा मटेरियल आपको मुझे परोसना है. तो दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर.